फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ और मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। ये खुशी आप लोगों से शेयर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ओह गॉड, लाइन कट गया। थैंक गॉड लाइन आ गया, नहीं तो पावर इतनी जल्दी आती नहीं है। जब कटती है तो एक घंटा डेढ़ घंटा पावर कटी रहती है, तो इतनी जल्दी आ गई तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, हम कहाँ थे? हाँ, आप लोगों से मैं अपना खुशी जाहिर करने वाली थी। तो मेरे पहला खुशी होने का कारण है कि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। अब फर्स्ट टाइम इतना वीडियो में, फर्स्ट टाइम एक वीडियो ऐसा था जो 5000 व्यूवर मतलब बना है मेरा उस वीडियो पे। तो इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट वीडियो है मेरा जो 5000 व्यूवर उस पर आए हैं। तो थैंक यू सारे फ्रेंड्स को, थैंक यू सारे व्यूवर्स को जो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। आज है फ्रेंड योगा डे। ये वीडियो जो है कल अपलोड होगा, तो इसीलिए बिलेटेड हो जाएगी। पर फिर भी मैं आप लोगों को हैप्पी योगा डे बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर रोज़ योगा डे होता है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज़ योगा करना चाहिए। योगा हमारे शरीर को सिर्फ बाहरी से स्वस्थ नहीं रखता है, तन मन से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता, इसीलिए सिर्फ योगा डे के दिन ही योगा ना करें, हर रोज़ योगा करें। आपको जो सुविधा लगे योगा करने में वही करें, लेकिन हर रोज़ योगा करें। और ध्यान तो एकदम करना ही चाहिए। ध्यान करते हैं तब हमारे अंदर जो टेंशन होती है, हमारे दिमाग में जो उल्टी सीधी बातें चलती रहती है, वो पूरी तरह से मिट जाती है, पूरी तरह से हट जाती है। माइंड जो है बहुत उथल पुथल होते रहता है, हमारे माइंड में वो शांत हो जाता है। एक रिलैक्स फील करते हैं जब ध्यान से जब उठते हैं, आंखें खोलते हैं, तो जैसे लगता है सब कुछ शांत है, नया नया सब कुछ दिख रहा है, फ्रेश फ्रेश सब कुछ दिख रहा है। एक नए तरीके से फिर से सुबह हुई, एक नए तरीके से ज़िंदगी फिर से शुरू हुई। इसीलिए ध्यान तो करना ही चाहिए। जैसे कि हमारे लाइफ के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसे हम हर रोज़ करते हैं और करना चाहते हैं, उसी तरह योगा भी हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होनी चाहिए। हमारे लाइफ के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, हमें योगा हर रोज़ करनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई योगा की बात। और मैं जो खुश हूँ आज, वो दूसरा कारण है ये कि मैं बताने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि जिन कुछ लोगों के लिए तो बहुत छोटी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, इसी में इतना एक्साइटेड हो जाए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अचीव किया है 100 सब्सक्राइबर। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मेरे 100 सब्सक्राइबर भी होंगे, मेरे इतने अच्छे व्यूवर भी होंगे, लोग मुझे फॉलो करेंगे, लोग मुझे देखेंगे, पसंद करेंगे। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। पर ये मुझे जो 100 सब्सक्राइबर मिले हैं और 5000 एक वीडियो पे फर्स्ट टाइम व्यूवर मिले हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का शुरुआत है, अंत नहीं। तो इसीलिए शुरुआत मेरे लिए हो चुकी है, आगाज़ मेरे लिए हो चुकी है। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, और वो सारे फ्रेंड्स को खुले दिल से मैं वेलकम करना चाहूँगी और प्यार करना चाहूँगी जो मेरे वीडियो को देखते हैं। सभी को थैंक्स भी बोलना चाहूँगी जो इतना प्यार मुझे करते हैं। आप लोगों के वजह से ही मैं आज इतनी खुश हूँ, और आगे भी खुश होने का जरिया आप ही लोग हैं। आगे भी आप ही लोग के वजह से मैं इतनी खुश रहूँगी, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। इसी तरह मेरा वीडियो देखिए और इसी तरह इंजॉय कीजिए, कमेंट्स कीजिए, प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो है और मैं जो है, मेरा जो अस्तित्व है, जो अभी खड़ा भी नहीं हुआ, बस खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आप लोगों के वजह से ही हैं, वरना मैं कुछ भी नहीं।
फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगी, ये जो जैकेट मैंने पहना है ये मेरे फेवरेट जैकेट में से एक है और आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों से अपनी खुशियाँ शेयर करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि मेरे जो फेवरेट जैकेट क्यों ना मैं उसे पहन के आप लोगों से बात करूँ और ये भी बता दूँगी कि ये मेरे लिए मुझे क्यों इतना पसंद है, क्यों फेवरेट। पहली बात तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था इसलिए भी मेरे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी बात है कि ये किसी भी सूट टॉप यहाँ तक कि साड़ी के साथ भी आप इसे पहन सकते हो, पेयर कर सकते हो, जब आप ब्लाउज पे इसको जैकेट की तरह पहन सकते हो, उसके बाद साड़ी रैपअप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये स्टाइल, तो इसलिए भी ये मेरा फेवरेट है। और आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं मतलब कभी कभी बोलते बोलते ना थोड़ा सा लड़खड़ा भी जाते थे, इसके लिए आज मैं सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों से कि अगर कहीं मिस्टेक हो जाए या कुछ भी तो माफ़ कर देना। और मुझसे क्या चाहते हैं, मैं किस तरह का और वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, वो मैं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और मुझे जिस तरह से आप लोग प्यार देते तो मेरा भी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले मैं सोचती थी कैसे बनाऊँ क्या बनाऊँ, पर मुझे अब कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का कमेंट्स मिलता है, तो उस हिसाब से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते जा रहा है। और मैं सोचती हूँ कि आज ये बनाऊँ आज वो बनाऊँ, ऐसा वीडियो तैयार करूँ ऐसा वीडियो तैयार करूँ,